Welcome back to Design for Living, a two-part documentary on the construction boom in Pakistan. हमने पार्ट वन में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कई पहलुओं पर रोशनी डाली. The construction boom is all about supply and demand. पाकिस्तान की बढ़ती आबादी के लिए मकान, अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, कम्युनिटी स्पेसेस एंड ऑफ कोर्स ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज की रसद में इजाफा हुआ है. One might say कि इमारत की कहानी की शुरुआत उसके डिजाइन और प्लानिंग से होती है. But let's take a step back. It starts with real estate. This is a developer's playground. इस वक्त पाकिस्तान में हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है. कुछ तकरीबन 12 टू 15 मिलियन की शॉर्टेज है. हाउसिंग स्कीम का जो कॉन्सेप्ट दिया प्राइम मिनिस्टर में वो भी है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी है. तो डेवलपर्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कि केपी और पंजाब में मिल रही हैं, सिंध में भी अगर मिले तो सिंध की और स्पेशली कराची हैदराबाद की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. अदर साइड पे जो प्रॉपर्टी बढ़ रही है, देखिए इट्स अ सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन. कराची मार्केट या पाकिस्तान मार्केट इज नॉट बेस्ड ऑन जो आउटसाइडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट, इट्स अ जेन्युइन डिमांड. यू सी के आपकी कमर्शियल स्पेस कहाँ ज़्यादा आपको वैल्यू मिलती है. अगर आप एम्प्रेस मार्केट के सामने कुछ लेंगे तो बहुत महंगी है वो. जितना जितना दूर जाएंगे कमर्शली, आप आइए चंद्रिका रोड पर चले जाएं, शुरू में इतना महंगा नहीं होगा जहां आपके दफ्तर हैं, मगर आप आगे जाते जाएं तो वो एक्सपेंसिव होनी शुरू हो जाती है. एक प्लान के साथ जा रहे हैं आगे, जिसमें हमारे साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है. जिस तरह अगर आप देखें कि स्टील हो गया या सीमेंट हो गया, उनकी प्रोडक्शन बढ़ा दी है ओनली बिकॉज गवर्नमेंट उनको उनकी पॉलिसीज़ को फेवर कर रही है. या एमनेस्टी स्कीम को देख लें तो हर एक चीज़ जो है वो आजकल रियल इस्टेट को फेवर कर रही है. मुश्किलात अगर मैं देखूं तो इस तरह कोई ऐसा सच मुश्किलात नहीं आई. क्यों नहीं आई? क्योंकि गवर्नमेंट हर तरीके से आपको फैसिलिटेट कर रही है. वही कि एमनेस्टी स्कीम को अगर आप देखें तो वो इन्वेस्टमेंट को काफ़ी इनक्रेज कर रही है, कि ना सिर्फ डेवलपर्स को बल्कि कंज्यूमर्स को, कि वो आके इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें और इसी के थ्रू जो है तो प्रोजेक्ट्स डिलीवर होते हैं. उसके अलावा देखें तो बैंकिंग साइड को अगर आप देखें तो गवर्नमेंट काफ़ी इनक्रेज कर रही है बैंक्स को कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करें, डेवलपर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी. कि इवन अगर कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता उसको तो वो बैंक के थ्रू फाइनेंस करता है और इस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है. तो गवर्नमेंट हर तरीके से इस तरह की फैसिलिटेशन दे रही है. अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे तो जितने भी स्टील और सीमेंट वाले हैं उनको काफ़ी इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शंस को बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कोप कर सकें. तो ऐसा इस तरह कोई मुश्किलात नहीं फेस हो रहे, बल्कि काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, फैसिलिटेशन आ रही है और हमें इनक्रेज कर रही है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना अभी करें बल्कि फ्यूचर में भी हम प्लान करें, जिसकी वजह से ना इकॉनमी भी काफ़ी बूस्ट आएगा और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी अच्छे होंगे लोगों के. A recent government has taken a keen interest in developing the real estate industry. I think the very fact that after the 70 years of our establishment, we have recognized the construction sector as an industry, that's a first step in the right direction. At the same time, central bank is playing a very critical role in terms of offering the right financing solutions for the real estate sector. For the first time in the country, there is a drive to invest and lend to construction sector. To me, I think that's a very big and bold step because that will entail the entire construction sector will come into documentation, starting from developers to designers to the end customer, and that will pave the way for the documentation of this sector, which is a big step for the government of Pakistan, because in the long run that will allow government to generate revenues. So central bank is very keen to work with the construction sector. At the same time, they are also facilitating a number of options for our customers so that they can afford and take a step to buy the first home. So they've recently started off-plan financing options which will allow people to buy MR properties on a 20 years payment plan.
I think these are the developments which will unfold the way we do business in Pakistan. And I'm very hopeful with the support of the banking environment as well as the central bank, we'll be able to offer extended payment plans to our customers. Interestingly, 2020, despite COVID, has turned out to be the best year of MR Pakistan history, where we closed sales worth 20 billion rupees. There seems to be a chasm between what the city needs and what the construction industry provides. लोग छोटे शहरों से चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो या बेटर लाइफस्टाइल की तलब बड़े शहरों में अपनी फैमिलीज के साथ मूव कर रहे हैं मगर क्या हमारे शहरों में इस सब आबादी को अकोमोडेट करने की गुंजाइश है वी स्पोक विद सम ऑफ द जायंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हु आर वर्किंग ऑन मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पहली दफा पेशावर में जो चीज लेके आ रहे हैं इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट अपार्टमेंट्स ठीक है इंटेलिजेंट अपार्टमेंट्स क्या होते हैं इंटेलिजेंट अपार्टमेंट्स वो होते हैं कि जो के आपके फोन्स आपके वॉइस कंट्रोल से आपके टच पैनल से पूरा अपार्टमेंट आपका कंट्रोल होता है तो अगर आप कहीं बैठे हुए हैं आप बाहर से आ रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर से आ रहे हैं गाड़ी में तो आप उधर ही से अपना लॉक सिस्टम जो हो गया आपका सिक्योरिटी सिस्टम हो गया आपके एयर कंडीशन हो गए आपके लाइट सिस्टम्स यू टीवीज एवरीथिंग आप अपने फ़ोन से वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं अपार्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट है पेशावर में कि अपार्टमेंट काफ़ी एक छोटा सा छोटी सी कन्फाइंड जगह होती है जिसमें आपको रहना होता है बंद सी फीलिंग आती है आपको तो वो एक परसेप्शन है जो हम चेंज करना चाह रहे हैं हमारे अपार्टमेंट स्पेशियस हैं उसमें हम लोग फ्लोर टू ग्लास सीलिंग्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हाई राइज में यूज़ होने चाहिए कि आप अगर अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं तो आपको ये फील ना आए कि आप बंद जगह पे बैठे हुए हैं आपको फ्लोर टू सीलिंग विंडोज़ में आपको बाहर से व्यूज़ भी नज़र आते हैं हम लोग पेशावर सिटी के सारे व्यूज़ उनको ऑफर कर रहे हैं लश ग्रीन लैंड्स जो हैं वो व्यूज़ के थ्रू ऑफर कर रहे हैं और इवन जो हम ग्लास यूज़ कर रहे हैं इट्स कॉल्ड फोटोवोल्टेइक ग्लास जो कि आपको इंसुलेशन देती है आपको सोलर पैनल्स उसमें होते हैं तो आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बिल्डिंग की 35% डिक्रीज हो जाती है सबसे सबसे जो डिफरेंट फीचर है जो अपनी बिल्डिंग में ऑफर कर रहे हैं वो है फसाड लाइटिंग फसाड लाइटिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक पाकिस्तान में कोई भी नहीं लेके आया हुआ तो वो चीज़ हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा लेके आ रहे हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है वो हमेशा इल्यूमिनेटेड होगी उसके ऊपर लाइट्स भी चलती रहेंगी उसके ऊपर वीडियोस भी चलती रहेगी जो कि पेशावर की खूबसूरती में एक इजाफा करेगी अपने बिल्डिंग में हम लोग इक्लिप्स क्लब ऑफर कर रहे हैं इक्लिप्स क्लब में वी हैव इन्फिनिटी पूल आपका टेनिस कोर्ट हो गया स्क्वाश कोर्ट्स हो गए उसमें जो है तो गेम रूम्स हो गए आपका स्पा हो गया तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम पहली दफ़ा पेशावर में ऑफ़र कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम एक बेंचमार्क सेट करेंगे और एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे जिसको अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स आते भी हैं तो उनका बेंचमार्क इक्लिप्स होगा जहां मुल्क के शुमाल में इक्लिप्स है तो जुनूब में इमार है बाय द सी दिस डेवलपमेंट विल बी 20 मिलियन स्क्वायर फीट इन साइज एंड 80% ऑफ दिस डेवलपमेंट इज रेजिडेंशियल वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीट अराउंड 5000 रेजिडेंशियल यूनिट्स व्हिच मींस वी विल हैव 5000 लिविंग फैमिलीज लिविंग एंड एंजॉयिंग ऑल द फैसिलिटीज it is the largest gated community in Karachi and we plan to offer the integrated lifestyle with the combination of office space mall hotel and all the hospitality elements so this is a complete end to end solution where all the life amenities will be available within the same compound so we have 20 million square feet of development in Karachi And at this point in time, we have another project in Islamabad, which is almost 400 acres of land in DHA Islamabad. We are actively looking for more land banks in Karachi, Lahore and Islamabad. So I expect to sign, we've signed number of memorandum of understanding with landowners. So we are quite keen to expand our footprint in Pakistan. जब यूएई के लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स पाकिस्तान आएंगे तो इमारतें तो बुलंद होंगी कराची के साहिलों को पीछे छोड़कर हम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं जहां पर समुंदर की लहरें नहीं हरियाली और पहाड़ एक खूबसूरत बैकड्रॉप पेश करते हैं पाक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सबसे मशहूर यहाँ पे कॉमन अगर हम एक बेंचमार्क बना लें सरीना होटल तो सरीना होटल से 10 मिनट के फासले पे सोसाइटी मौजूद है शहर के अंदर ऐसी खूबसूरती वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मौजूद जैसे कि हमारी सोसाइटी में मौजूद है हमारी सोसाइटी एक मिनी पाकिस्तान है हमारे जिस तरह आबादी बढ़ रही है
और जो हमारे पे शहरों के ऊपर जो इस वक्त डेवलप सिटीज़ हैं उस पर जो प्रेशर है उसके मुताबिक, तो जब तक के प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के नहीं काम करेगा लोगों की वो ज़रूरियात नहीं पूरी हो सकेंगी। अब आप इस्लामाबाद शहर की मिसाल ले लीजिए, यहाँ पे रेंटल वैल्यूज आप बाकी पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। जो सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गुंजाइश मौजूद है, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, चाहे वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों, कमर्शियल एरियाज हों, उसकी बहुत गुंजाइश है। और जितने भी बनाए हैं, जितने भी आजकल बन रहे हैं, उस सब की खपत जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान में पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, खेत खलिहान हैं, उसी तरह पार्कव्यू सिटी में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमारे उसमें वैली के अंदर भी प्लॉट्स हैं, हमारे उसमें पहाड़ियों के ऊपर भी प्लॉट्स हैं, और बिल्कुल प्लेन जो जगह हैं उसके ऊपर भी हमारे वहाँ पे लोगों के लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स वहाँ पे बनाए गए। इसकी एक खूबसूरती जो लोग समझते हैं या एक आँख देखना चाहती है कि अगर हम प्लेन लैंड में खड़े हैं तो हमारे सामने तीन अतराफ में वहाँ पे पहाड़ियाँ मौजूद हैं और वो एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। और अगर आप पहाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं जिसके ऊपर प्लॉटिंग मौजूद है, अगर आप वहाँ खड़े होकर सोसाइटी को देखते हैं तो आपको एक वैली का व्यू मिलता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम वो लोग जो इस काम में, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हम लोकली ऐसी मशीनरी के ऊपर और ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप करें और इम्पोर्ट को फैसिलिटेट करें, ताकि हमारी जो डिलीवरी है डेवलपर्स की वो आसान हो जाए। उस आसान होने से लोगों के दरमियान जो डिलीवरी है घरों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो तेज़ हो जाएगी। जब वो चीज़ें डिलीवरी तेज़ होगी, मनी ट्रांजेक्शन्स तेज़ होगी, तो जिस तरह FBR काम कर रहा है, हमारा रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कोरिलेटेड हैं। आप खाली प्रेशराइज करके किसी से रेवेन्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते, जब तक कि आप पूरी जो इस इंडस्ट्री के जो सेगमेंट्स हैं, जब आप एक एक सेगमेंट को फैसिलिटेट करेंगे तो वो सब एक दूसरे का साथ देंगे। इस सेक्टर में जिसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट ने कहीं ना कहीं टेंजिबल सूरत में नज़र आना है, घरों की, मकानों की, बिल्डिंग्स की, शॉपिंग मॉल्स की सूरत में नज़र आना है। तो जब हम उसको जितना फैसिलिटेट करेंगे उतनी जल्दी वो शॉपिंग मॉल्स बनेंगे, मनी ट्रांजेक्शन्स होंगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। कल्चर और तहजीबें बनती है रिवर से, रिवर हम खो चुके हैं, रिवर को हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट हेरिटेज वी आर ब्रिंगिंग बैक। सो ब्रिंगिंग रावी बैक टू लाहौरीज, जो कि हम टपका तबाह कर चुके हैं अपने उन हाथों से। दैट्स द फर्स्ट हेरिटेज विच वी आर डूइंग। लोग बिल्डिंग्स देखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि रिवर हम वापस ला रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है इस पूरे शहर के लिए। उसके साथ ऑफकोर्स हमारे साथ कामरान की बारादरी है, हमारे पास डिफरेंट जो बाकी हेरिटेज की जगह हैं उसको हम प्रिजर्व करवा रहे हैं। उसके लिए भी हमारा एक MOU चल रहा है एक इटालियन फर्म के साथ जिन्होंने वॉल सिटी पे काम किया था, उसी तरह ही प्रिजर्व करने के लिए इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। हमारे पास ये बड़ा अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, अपार्ट फ्रॉम हमारे पास जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हमने यहाँ रखे हुए हैं, बिकॉज एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स सिटी भी हम यहाँ बना रहे हैं जो कि कम्प्लीट सिर्फ स्पोर्ट्स को ही कैटर करती है। उसके अलावा हमारे पास थीम पार्क्स के डिफरेंट ऑप्शन भी आ गए हैं। मैं इन्वॉल्व रहा था जब सिंगापुर का सेंतोसा आइलैंड, उस टीम का मैं हिस्सा था जब सेंतोसा आइलैंड को डेवलप किया जा रहा था, और उसमें यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और बाकी वो आए थे। तो उस तरह के भी कुछ कंपनीज हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इधर आने के लिए, तो हमने वो भी सारी इंक्लूड की हुई है। अ कार्बन फ्री सिटी फॉर 4 मिलियन रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ यूटोपिया। फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर रावी वी हेड टू कराची वेयर अल खलीज बिल्डर्स हैव कंस्ट्रक्टेड अ मार्वल ऑफ देयर ओन। आप इसको देखेंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं इस फैसिलिटी में, तो बिल्कुल डिफरेंट, मतलब इसको हमने जो डिज़ाइन किया था, एक कॉन्सेप्ट था उस वक्त दुबई मार्केट मूव कर रही थी, और उसी कॉन्सेप्ट पे कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हो,
जिसमें पार्किंग भी हो, बच्चों के खेलने की जगह भी हो, लिफ्ट्स भी उसकी उस तरीके से डिज़ाइन की गई कि उसमें एयर कंडीशन वगैरह सारी चीज़ें जो बाहर मुल्कों में होती है, उसकी सिक्योरिटीज़, उसकी सफाई, उसकी मेंटेनेंस, और उसकी मेंटेनेंस भी अपने पास ही उस प्रोजेक्ट की रखी। तो उसी कॉन्सेप्ट से एज़ कम्पेयर टू किसी भी प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि ये फैसिलिटीज़ या इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं। लास्ट इसको 4 साल हो गए पोजीशन दिए हुए, आज 4th साल है, और 4th साल में भी आप इसको सब चीज़ें उसी तरह मेंटेन मिलेगी कि सारी यूटिलिटीज़, फैसिलिटीज़, उसकी सिक्योरिटीज़, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक कम्युनिटी सिस्टम को डिज़ाइन किया, एक मेन गेट से एंट्रेंस दिया, और फिर प्रोजेक्ट को एक डिफरेंट उसमें ले गए। तो उसको कंपेयर हम करेंगे तो आज ये प्रोजेक्ट लिफ्टन वगैरह में हो हैं, और उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट बाकी सब जगहों से, जब बाहर से जो टेक्नोलॉजीज हाई राइज बिल्डिंग शुरू हुई तो उसके बाद ये शुरू हुए। इससे पहले हाई राइज का कॉन्सेप्ट नहीं था 2008 से पहले कराची में। कम्प्लीटली मतलब आप ये समझे कि फैसिलिटीज़ में जो मेजर फैसिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ आपकी ऑल द टाइम, आपके पानी, बिजली, गैस, स्टैंड बाई जनरेटर्स, प्ले एरिया, आपके डिफरेंट शॉप्स हमने बनाई है, कोई टेक शॉप्स वगैरह बनाई है, वो कॉफ़ी शॉप्स वगैरह वो डिज़ाइन कर रहे हैं हर एंट्रेंस के साथ, उसकी अपनी लॉबीज़ हैं, आप उस लॉबीज़ में उसके सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है उन लोगों के घर से, आपके कैमरे जो लगे हुए हैं हर डोर पे जाता है, मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप उस कैमरों से उन चीज़ों से देख लेते हैं, पार्किंग के हवाले से आप देख लें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो एक ज़रूरत होती है, मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट इस एरिया में वो प्रोजेक्ट है जो लोग देखने भी आते हैं और उसको कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं, और इसकी फैसिलिटीज़ उसी तरह सोच के बनाई गई कि जो मैक्सिमम शहर में कराची में हो सकता है, कि कोई डिफेंस और क्लिफ्टन में कोई प्रोजेक्ट है, हाई प्राइस प्रोजेक्ट, उस तरीके से इसकी फैसिलिटीज़ रखी गई है और उसी को लेके हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हल सिर्फ डिजिटलाइजेशन है और कोई नहीं, ऑटोमेशन हल है। आप मैन टू मैन कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दें, आप डिजिटलाइजेशन से अप्रूवल्स कर दें, आपके कनेक्शंस होने चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन होनी चाहिए, और जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आपकी ऑनलाइन मौजूद होनी चाहिए। सिंध में वर्ल्ड बैंक ने भी फंड्स दिया हुआ है, और फंड्स देने के बाद भी मेरे ख्याल से आज भी डिजिटलाइजेशन ना रिकॉर्ड ऑफ राइट हो रहा है, ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो रहा है, ना यूटिलिटी डिपार्टमेंट, सबको एक पेज पे एक उस पे आना है, तो ये काम आपका आसानी से भी होगा और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी ख़त्म होगी आपकी कच्ची। जब आप सप्लाई लाइन नहीं देते तो कच्ची आबादियाँ बढ़ती है। आपने कराची में लास्ट 30 साल से कोई नई स्कीम नहीं दी, तेसर टाउन एंड हॉक्सबे स्कीम, ये 2 स्कीम है जिस पे पूरा शहर लास्ट 30 साल से उसको पोजीशन नहीं दिया। हम प्लान देंगे और रीडेवलपमेंट रिहेबिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि अभी कराची में 57% कच्ची आबादी से, मोर देन हाफ मतलब ऑफ कराची लिविंग इन कच्ची आबादी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि उसको एड्रेस किया जाए, उसको वेल प्लान किया जाए। और काफ़ी प्रपोजल्स हम जैसे दुनिया में है कि आप उन चीज़ों को, मतलब श्रीलंका के मॉडल्स हमने दिए इनको, बांग्लादेश के दिए, मलेशिया के दिए, तो कोई भी टॉप कर लें, मतलब जो सक्सेस है। तो मेरा ख़्याल है कि अभी तक वो पॉलिसीज़ नहीं है, और जिस तरह हमने सोचा था उसी तरह उसको कंप्लीट किया, उस तरह मेंटेन कर रहे हैं, और यही एक सोच लेके चल रहे हैं कि इस एरिया को वही फैसिलिटीज़ दी जाए जो एक पॉश एरिया में, जो क्लिफ्टन में है, जो डिफेंस में है, जो अदर एरियाज में। तो ये है सोच के हमने इस प्रोजेक्ट को लेके चला। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर इंडस्ट्री का एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, ना सिर्फ जेब के लिए मगर हम सबके मुस्तकबिल के लिए। ये जरूरी है कि हम अपनी थिंकिंग चेंज करें, मॉडर्नाइज करें, ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग प्लान्स की जाने पढ़ें। बट कैन वी कंटिन्यू बिल्डिंग इन अ नॉन इको फ्रेंडली मैनर, एंड इफ यस फॉर हाउ लॉन्ग? इन्वायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उसके लिए इन्वायरमेंटल कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो डेवलपर्स एंड बिल्डर्स हैं उनको इस चीज़ के ऊपर खासा कंसंट्रेट करना चाहिए, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस होना चाहिए। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन पे जाते थे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इशू आता था, हमें पर ओपन स्पेसेस नहीं मिलती थी, पार्किंग नहीं मिलती थी, ग्रीन एरियाज हमें नहीं मिलते थे। देन हमारा जो ग्रीन कवर इस वक्त है, एग्जिस्टिंग जो हमें लैंड मिल रही है उसमें 3% है, वो इंक्रीज कर रहे हैं 11% तक।
बर्ड्स जो होते हैं वो भी फ्रेश और क्लीन वाटर के लिए आते हैं. जब उसका वाटर उधर से ख़त्म होना शुरू होगा तो वो अपनी वो डाइवर्ट कर देते हैं अपनी सारी पाथ, वो भी उधर नहीं आते. हमने जो ये प्लान मुरतब किया है और जो फॉरेस्ट का हम रिज़र्व बना रहे हैं, इधर हम ये सेंचुरीज वापस ला रहे हैं. हम एक पूरी जो हमने इकोलॉजी की यहाँ रिपोर्ट की थी उसमें ये एक्वा लाइफ, मरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट और उसको मेंटेन करने के लिए. तो इंशाल्लाह यही हमारी सक्सेस होगी. हम अभी इनिशिएट कर रहे हैं इन फॉरेस्ट्स के साथ, नेक्स्ट एक मंथ में हम इनॉग्रेट कर रहे हैं और उसको आस्ते आस्ते डेवलप करना शुरू करेंगे. तीन डिफरेंट फॉरेस्ट्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि कहने को तो फॉरेस्ट हैं मगर प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किए गए ना बनाए गए, जिसमें एक रक मुनीर, रक शहीद और एक झोक फॉरेस्ट है. ये टोटल तकरीबन कोई 30,000 कनाल बन रहे हैं. इन 30,000 कनाल को हम यहाँ पे ही प्रिजर्व करवा रहे हैं और इसमें एक नया ट्रेंड बोटैनिकल गार्डन्स का लेके आ रहे हैं. तो ये फॉरेस्ट को भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज करवाएंगे और इसको वो वाले ट्रीज लगाएंगे जो स्पेसिफिकली ये स्मोक पोल्यूशन इसको ज्यादा डिक्रीज करें. इसमें हमने रूफ गार्डन्स की इजाज़त दी हुई है, सोलर्स ऑटोमेटिकली है बिकॉज ये पहली स्मार्ट सिटी हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हमने ये सारे फैक्टर्स प्लेस इन किए हुए हैं. आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्राम्स, हमने इनिशियली पहले से वो कॉन्सेप्ट लाया हुआ है कि इसको ज़रा हम कार्बन फ्री सिटी की तरफ लेके जाएं. हमने एक और भी इनिशिएटिव किया था जिसमें हमने अपने जो केबल ड्रम्स थे वो हमने आर्टिस्ट को प्रोवाइड किए थे एज पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव कॉल्ड रील ऑन है, जिसके जरिए फिर हमने वी पुट देम ऑल अक्रॉस कराची. तो व्हाट वी ट्राई एंड डू इज वी ट्राई एंड यूज गेट दोज ड्रम्स बैक, उसको या तो रिसाइकिल कर लेते हैं. एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो हमारे प्रेशियस आइटम्स होते हैं वी मेक श्योर दैट वी कैन रिसाइकिल देम एज बेस्ट एज पॉसिबल. Well, sustainability is one of our core principles. We have three core principles, which is safety, integrity, and sustainability. This is one of our core principles, and these are the principles on which we do not compromise. We have set ourselves targets where by 2030, our 50% of our products will be sustainable products. Right now, we are above 20%. So we have an aggressive target on that. So the idea is to protect the environment, protect the people, to protect the planet, and create and save the planet for our next generations to come. So it is very, very important that we produce those products which are sustainable. Also to mention, when we talk of sustainability, we do not talk only of the product. We talk of the process as well. We talk of the inputs that go into the process as well. So all of those has to be sustainable. Like to quote you an example, recently we have enhanced our solar electricity capacity. And we have now taken it to 460 kilowatts. Now, this helps us in saving approximately 400 tons of carbon emissions on an annual basis. And if I give you a more example, it would be something like planting 10,000 trees and then growing them for 10 years. So we do have. So it's a small step that we have taken, and we would be taking more steps to make sure that we are more sustainable. New technology, solar technology, we have introduced there. तो हम रेन वाटर को रिटेन करने की वहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं. वो लेक हम जो रेन वाटर है उसी को सस्टेन करेंगे, मेंटेन करेंगे और वो उसी पानी को हम इस्तेमाल करेंगे. जो सीवरेज वाटर जो है हम उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगा के वो वाटर को ट्रीट करके हम ड्रेन में लेके जाएंगे. वी लव द आइडिया ऑफ बिल्डिंग ग्रीन, मगर इस कॉन्सेप्ट से पहले हम कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे थे और क्यों, ये जानना जरूरी है. अगर एक इमारत की प्लानिंग उसकी रेसिपी है तो बिल्डिंग मटेरियल्स उसका अज्जा, ईंट, सीमेंट, मिट्टी, कंक्रीट, स्टील, ग्लास, पेंट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, केबल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स लिमिटेड हो सकते हैं मगर डेवलपर्स और डिजाइनर्स का विजन अनलिमिटेड है. हर शहर का अलग मौसम है और हर बिल्डिंग का अलग फंक्शन, जिसका मतलब है कि डिवेलपर्स और डिजाइनर्स को मुख्तलिफ बिल्डिंग मटेरियल्स का इंतखाब करना होता है. अगर कहीं ब्रिक मिल रही है तो यूज़ इट एट इज बेस्ट वे, कंक्रीट ब्लॉक.
कंक्रीट ब्लॉक ये अमूमन सिर्फ कराची में इस्तेमाल होता है, अब थोड़ा सा फैशन हो गया पंजाब में इस्तेमाल करने का, मगर हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली ब्रिक इस्तेमाल करने का फैशन नहीं हुआ, जो ठट्टे से ऑनवर्ड्स ऑल ओवर द कंट्री इज़ ऑल ब्रिक। सो कराची इज़ ओनली कंक्रीट बिकॉज हमारे जो रिवर्स यहाँ के ख़त्म होती हैं, तो वी गेट अ लॉट ऑफ सैंड आउट हियर, तो देन सैंड एंड सीमेंट इज़ मेकिंग कंक्रीट। आई जनरली डू commercial buildings that are more than 5-6 stories. So at that level, when you talk about it, you have to go with concrete. You only have two choices. You can go with steel or concrete construction. So concrete is still cheaper, much cheaper than steel. So in the West, when you go for high-rise buildings, you are looking at steel. Here, that opportunity is limited. We have, you have to use steel when you go very high. But for mid-rise, you use concrete. That is the only option. However, the materials with which you clad the building are changing. And some of the materials are very expensive. We are using a lot of curtain wall. We are using claddings like tile claddings, which are expensive. There is another material called ACP. Aluminum composite panels, which is being used extensively. These are things that facilitate construction. They are very easy to go up. They're very lightweight. They are very quick to construct. There is gypsum, which has a very good U value. We have local materials like brick, which have very good U values. And for low rise housing, bricks should be used more than concrete blocks. Although they have their limitations, but it is still a much better material to use. हमारा जो तवज्जो हमेशा रह चुका है वो towards quality and best practices. Cables ऐसा एक product है कि it's a safety related product. आपने अगर substandard या counterfeit cable लगवा लिया तो दो चार पाँच साल तो चल भी जाएगा, उसके बाद जो है आपका जो है लाइफ एंड प्रॉपर्टीज एट रिस्क। पाकिस्तान केबल्स का जो प्रोडक्ट रेंज है प्रीटी मच इट्स द वाइडेस्ट प्रोडक्ट रेंज आई वुड से प्रोबेबली इन पाकिस्तान, इन द सेंस के हम मुख्तलिफ टाइप ऑफ केबल्स बनाते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर हमारी सेल कोई 9 बिलियन रुपीज़ की सेल थी, होपफुली यू नो दिस ईयर इट विल बी ओवर 12 बिलियन, मे बी क्लोजर टू 13 बिलियन। तो माशाल्लाह एक ग्रोथ अपनी जगह डेफिनेटली है। Over a period of time, the role of paints has evolved, and now the paints do give protection against various bacteria. There are low VOC paints available, which makes the environment clean, and they also protect against waterproofing and all those type of things. So these are various roles that which the paint play. Also, this is a very very critical part of the construction industry, I would say. Materiality में बहुत change नहीं आया। अभी भी ईंटों से और कुछ पेंट है, कुछ स्टोन पत्थर लगते हैं, मोज़ेक्स लगते हैं, कुछ मेटल भी इस्तेमाल होता है। तो मटेरियलिटी है फर्क, पर कोर मटेरियलिटी में चेंज नहीं है। अभी भी ये ब्रिक के ही ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ हैं जो कंक्रीट ब्लॉक्स के हैं आफ्टर अर्थक्वेक, या थोड़ी सी फ़र्क है। पहले जितनी भी जगहें थी ना, जितनी भी कॉन्क्रीट थी ना, वो मिक्सर मशीन से होती थी। स्मॉल मशीन ओवर देयर, वो वहीं पे सीमेंट आई, वहीं पे सैंड आया, वहीं पे क्रश आया, और उसमें जो है ना वॉल्यूमेट्रिक मिक्स होता है। वॉल्यूमेट्रिक मतलब 1:4 कंक्रीट। दी 1:4 का मतलब है 1 part इज सीमेंट इन क्यूबिकल कंटेंट, 2 parts ऑफ सैंड एंड 4 parts ऑफ क्रश। और यह सैंड भी जो होती है ना, एक फाइन मॉड्यूलस कहलाता है कि कितनी मोटी सैंड होनी चाहिए। Predominantly, अगर मैं रेजिडेंशियल मॉडल पे आ जाता हूँ तो ब्रिक कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे ब्लॉक कंस्ट्रक्शन होती है। मटेरियलिटी की बात कर लेते हैं तो ग्लास स्टील स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द कंट्री बन रहे हैं। सो देयर्स बीन एन इनफ्लक्स ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग मटीरियल्स कमिंग, एन एक्सप्लोरेशन दैट्स हैपनिंग बोथ इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, एंड इट्स वंडरफुल टू सी दैट। हमारी टेम्परेचर जो है साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहुत वेरी करती है, मगर प्रोडोमिनेंटली हमारी जो हीट होती है वो एक्सट्रीम है।
कॉन्क्रीट के अंदर हैज़ अ सर्टन थर्मल कैपेसिटी दैट एक्चुअली हेल्प्स अस. इट्स ऑल्सो ईजियर टू यूज. Now that we are taking modern technology, some of the principles of the old, there's a lot of work that's happening to, in this area. Fortunately, we are doing work on two folds. One, we're looking at these materials and bringing them in. Import substitution is something that's important to the industry too. So made in Pakistan is also important. So experimenting the same thing with brick kilns, with different textures on the facade, with localized materials such as cast-in-place terrazzos. These are all things that you're seeing that are coming back. We barely have a steel industry. So that is also not a thing. So concrete, which is a very carbon-heavy material, is what we use. So the main materials are, of course, not very eco-friendly. But of course, one can do some things to make sure that the energy used by buildings is less. And how can we do that? You can create roof gardens, because most of the heat you get from for a building is through the roof. हम नई टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करें तो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को हम ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा कॉस्ट कंपेटिटिव हो. We are under expansion right now. हम एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं इंशाल्लाह, यू नो, बाई मिड 23 जो है वो लग जाएगी. उससे हमारी कैपेसिटीज में काफ़ी जो है एक एडिशन आएगा, तो वी विल बी एबल टू सपोर्ट द ग्रोइंग मार्केट डिमांड्स. जो हल्की वायर का जो चैलेंज है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक ही सप्लायर्स का है. तो जो आपका अफोर्ड कर सकता है वो तो गुड क्वालिटी भी जाता है, बट एज यू गो डाउन द लाइन ऑफ अफोर्डेबिलिटी तो फिर पीपल आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी बिकॉज अवेयरनेस भी नहीं है. पेंट प्ले टू इम्पॉर्टेंट रोल. वन इज द प्रोटेक्शन एंड द अदर वन इज टू ब्यूटिफाई द एनवायरमेंट. एज फार एज प्रोटेक्शन इज कंसर्न, the paint protects against all the various elements like dust, like sunlight, like rain, like heat. So against all of these, like by temperature variations, all these. So the one important role which paint play is protecting the building and the environment from these things. The other, as I mentioned, is to make the environment more lively, to make the environment more beautiful. For that, it adds color to the life. And we have a range where we offer more than 2,000 colors. So people can select colors depending upon the mood that they have and depending upon what type of environment they want to create in their home. So these are the two main roles. Over a period of time, the role of paints has evolved, and now the paints do give protection against various bacteria. There are low VOC paints available which makes the environment clean. And they also protect against waterproofing and all those type of things. So these are various roles that which the paint play. Also, this is a very, very critical part of the construction industry, I would say. As far as AkzoNobel is concerned, we have been providing paints and coatings across the globe since 1792. So we have a history of more than 200 years. Our product can be found in more than 150 countries. And we employ more than 32,000 people across the globe. So we are one of the big manufacturers of paints and coatings. And we produce and develop cutting-edge technologies and products which use cutting-edge technologies. So because of that, we provide protection. We are able to provide the vast range of colors that I mentioned earlier. So all of these do come with the global expertise that we have. Okay, so if you look into the exterior paints, they are exposed to extreme temperatures. During winter, the temperature would really fall down, and during summer, it would be very hot. So the concrete expands and contracts accordingly, and the paint has to do the same. So those are the qualities which have now been introduced in various paints that we sell. So if we apply those paints, the paint surface would not crack over a period of time, and it will give a good look. There's certain materials that make feel like they're from the area,
Like in Multan, there's this shade of red that just feels inherent about that space. You get it in Lahore as well, the red brick, or there's a robust sort of color, you know, the green, the red that comes into in a lot of our projects or inspirations in Lahore or Punjab. In Karachi, there is a sort of warmer palette that, you know, the Guthrie stone and the color of the sand and the ocean and the breeze and the camel, like all of these things that are in a way almost faded. Like Karachi, I think the sun is so strong that color fades very quickly. So in a lot of our design, we have a very muted palette because of that. It's almost like it's faded in the sun. We have made a sort of movement towards more natural things, like whether that's stone, wood, recycled wood, I should say. But really things that are have a natural element. You never get tired of them. They age beautifully. हमारे हिस्ट्री में बहुत प्यारी सी चीज़ें होती थी, वो सहन होते थे, उनमें छोटे लाल ईंट के पत्थर होते थे, उसमें छिड़काव होता हुआ था, वो ठंडा रखते थे, हम विंड कैचर्स बनाते थे, हवादान बनाते थे, दीज थिंग्स यूज टू अलाउ अस टू हैव क्रॉस वेंटिलेशन. हम हाल में रहते हैं और मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाते हैं. प्लानिंग इज द क्लोजेस्ट मैन कैन गेट टू प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर. Pakistan has been a victim of mismanagement for far too long and on multiple fronts. Construction industry ka Pakistan aur Pakistaniyon ke mustaqbil ke liye kya way forward hai? In order to create something that works, we can't completely forget about tradition. We can't completely forget throw out the baby with the bath water. But we have to take things that worked and then see how they work today. And what are the requirements we have today? There's a lot more emphasis on technology now that we didn't have before. We can't say that we're not going to do this because our forefathers never had it. The world has changed, but that doesn't mean we don't look at the materials that were once used or the things that made sense in design and the materiality and certain things of our own culture that were beautiful, are beautiful, that can come into a modern interpretation. पिछले डेढ़ साल से कुछ चैटर चल रही थी एंड जो इंसेंटिव्स अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दिए हैं उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका है. इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, डेवलपर्स का बढ़ गया है, उसकी वजह से एक इंडस्ट्री जो स्ट्रगल कर रही थी वो एकदम से उसमें जान आ चुकी है और उसकी जान आने की वजह से एक मोमेंटम पिकअप कर रहा है एंड आई डोंट सी दिस मोमेंटम ब्रेकिंग एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दिस मोमेंटम डजंट ब्रेक. कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर क्लोजली लिंक्ड, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंची इमारतों की चमक में हम शहर के छोटे इलाकों को भूल गए हैं? क्या हम तरक्की के दौर में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को नजरअंदाज कर रहे हैं? पाकिस्तान में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या सिर्फ एक खास तबके तक महदूद है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ईच यूनिक इन इट्स ओन वे. लैंड, पीपल, वेदर, जिसकी वजह से इन सब शहरों का ब्लूप्रिंट फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से अलग है. पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये दौड़ इनफरादी तौर पर नहीं जीती जा सकती. मकान बनाना, शहर आबाद करना और मुल्क संवारना एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है. पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन बूम में कई स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रॉम रियल एस्टेट टू एलाइड इंडस्ट्रीज, फ्रॉम बैंक्स टू अर्बन प्लानिंग सेक्टर्स. ऑल ऑफ दीज कम टुगेदर टू ड्राइव द कंट्री टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ and provide us with a design for living.